दोस्तों, न्यू गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में एडसेंस टाइप करना है। एडसेंस टाइप करने के बाद सर्च कर देना है। फिर यहाँ पर जो सबसे पहली एडसेंस की वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितनी भी जीमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको एडसेंस अकाउंट नई जीमेल आईडी से बनाना है, उस जीमेल आईडी से नहीं बनाना है जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है, क्योंकि इससे आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। अब नई वाली जीमेल आईडी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके नीचे आई डोंट हैव ए साइट येट वाले ऑप्शन में आपको टिक कर देना है और उसके बाद गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस में यस सेंड मी कस्टमाइज्ड हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशंस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है और उसके नीचे योर पेमेंट कंट्री या टेरिटरी वाले ऑप्शन में आपको अपनी कंट्री चूज करनी है। कंट्री चूज करने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट वाले ऑप्शन में टिक लगा देना है और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगी और आपका एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, पेमेंट्स, एड्स और साइट्स का। यहाँ पर आपको सिर्फ पेमेंट्स वाले ऑप्शन से ही मतलब है। यहाँ पर इंटर इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अकाउंट टाइप वाले ऑप्शन में इंडिविजुअल ही रहने देना है और उसके बाद जो आपका ओरिजिनल नेम है वो यहाँ पर फिल करना है और नीचे एड्रेस भरना है, उसके बाद सिटी डालनी है, उसके बाद पोस्टल कोड और स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, उसको आप चाहें तो भर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और दोस्तों फिर कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट्स वाला ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर थ्री लाइंस पे क्लिक करना है और पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जितना भी अर्निंग होगा वो शो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये अर्निंग आपको तभी शो होगा जब आप अपने एडसेंस अकाउंट को अपने यूट्यूब चैनल से लिंक कर देंगे। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।